समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने की रणनीति सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने बना ली है। समाजवादी पार्टी से अलग हो जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर से हमला बोला है और इस बार ओपी राजभर ने अपर्णा यादव और शिवपाल यादव को निशाना बनाया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है 2024 में किसी भी दल के साथ मिलकर गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है, बसपा के साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं। सपा और सुभाषपा दोनों में दोनों तरफ से तलाक हो चुका है। रविवार को शहर स्थित जनक कुमार विद्यालय में पूर्वांचल युवा मंच की तरफ से आयोजित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर संबोधित करने आए थे। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाने साधे। ओपी राजभर ने कहा, मैंने अखिलेश से कहा था कुछ दिन नान एसी की हवा ली जाए, मैदान में निकला जाए, मेरी नहीं सुनी गई, ना ही राष्ट्रपति के चुनाव में बैठक में बुलाया गया। अखिलेश यादव अपनी भाभी अपर्णा और चाचा शिवपाल को संभाल नहीं पाए तो हमें कहां से संभाल पाएंगे। वो किसी की सुनते नहीं है, टिकट के बंटवारे में पक्षपात करते हैं, सपा से हमारा गठबंधन टूट चुका है। ओपी राजभर से ये सवाल किया गया कि सपा से आप अलग हो गए हैं, अब 2024 की रणनीति क्या रहेगी। राजभर ने कहा, अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती, मुझे भी किसी से गठबंधन करना है, मैं बसपा से बात करने के मूड में हूँ। कारण ये है कि बसपा जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करती है। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा ने बेहतर प्रदर्शन भी किया। बसपा मुखिया मायावती और भाजपा नेता अमित शाह भी एसी में रहते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। ओम प्रकाश राजभर मायावती के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपर्णा यादव और शिवपाल यादव की बगावत को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।